थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी, आटे में नमक जितना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और इसी सब्जेक्ट पे एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म आ रही है, तू झूठी मैं मकार, और आज उसी की स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी हैंडसम वेरी टैलेंटेड मिस्टर रणबीर कपूर एंड माय ब्रो अनुभव सिंह बस्सी। जोरदार तालियां रणबीर और अनुभव बस्सी के लिए। मैंने सुना था ऐसे लड़कों की शादी के बाद शायद फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाती, इस इंसान की बढ़ती जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आपकी फिल्म की बहुत बहुत मुबारक आपको, होली की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आप सबको भी, और रणबीर की तो इतनी सारी बधाइयां पेंडिंग है ब्रो। सबसे पहले तो आपकी शादी के लिए आपको मुबारक, प्यारी सी बिटिया के लिए ढेर सारी मुबारक। ये पिछली बार रणबीर हमारे शो पे आए थे तब ये बैचलर थे, इस बार आए हैं तो शादीशुदा भी हैं, पापा भी बन चुके हैं और इतने हैंडसम लग रहे हैं। अर्चना जी कह रही थी, कहती यार मैं थोड़ा सा बुरा फील कर रही हूँ मैं ना। नहीं नहीं, ये इसलिए बुरा फील कर रही थी, कहती मैं व्यस्तता के कारण रणबीर की शादी में नहीं जा पाई। ये आना चाह रही थी लेकिन आपने कार्ड नहीं भेजा तो फिर ये आ नहीं पाई। पर ऐसा है, ये किसी की शादी में जाए ना जाए वो उससे मतलब नहीं है, शगुन जो होता है इनका पर आपको देना ही पड़ता है। अच्छा, देना पड़ता है। हाँ, आपको देना ही पड़ेगा, आपकी शादी का अलग से, बिटिया का अलग से। मैं देख के आ जाऊं? ज्यादा हाँ, शगुन दे दीजिए प्लीज। ये तो उन्होंने आपको किस किया ना, ये अगर आपको करती दाढ़ी खींच लेती है। तो वैसे ज्यादा शगुन इनका होता नहीं, चलो आपने तो बड़ा अच्छा शगुन दे दिया। रणबीर, आपकी फैमिली में आस पड़ोस में ऐसी आंटियां आती जो आके बेबी को देख के बोलती हैं ये किस पे गई है, अरे आलिया पे गई, रणबीर पे गई, ऐसा होता है? पाजी, जब से राह पैदा हुई है आई थिंक आलिया के साइड से जो भी फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, मेरे साइड से फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक वो एटीट्यूड दे रहे एक दूसरे को कि नहीं नहीं ये हमारे फैमिली के जैसे दिखती है, हमारे फैमिली के जैसे दिखती है। बट आई थिंक हम खुद कंफ्यूज है क्योंकि कभी कभी उसका चेहरा मेरे जैसे दिखता है, कभी आलिया के जैसे दिखता Always, है yes. बट अच्छी बात यह है कि हम दोनों के जैसे दिखता है। यही सबसे बड़ी बात है। रणबीर, सच्ची सच्ची बताना कितनी बार उठना पड़ता है, क्योंकि अभी बहुत छोटी है रहा। पाजी, आई थिंक जितनी बार भी आप उठो आपको लगता नहीं है कि आप उठ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यू वांट टू, यू नो, आप अगर आप साथ में भी सो रहे हो और एक हल्की सी आवाज़ भी आ जाए, चाहे आप कितनी भी खराटे मार रहे हो, आई थिंक आपके जो अंदर कुछ एक बात, कुछ तो है अंदर, क्यों ऑटोमेटिकली आप उड़ जाते हो। आई थिंक वो दिल से निकलती है वो बात, यू नो, सो आई डोंट थिंक ये कुछ एफर्ट है या आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आई थिंक ये बहुत खुशनसीबी है अगर आप कोई मौका मिले। हाँ स्वीट यार, रणबीर कितना बदल गया है। अच्छा अनुभव बस्सी, जब पिछली बार हमारे शो पे आए थे एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन आए थे, आज ये एज एन एक्टर आए हैं। yes. आप मानते हैं हमारे शो पे आने के बाद बंदे की किस्मत बदल जाती है? मेरी किस्मत तो आपने स्टैंड अप शुरू कर दी उससे ही बदल गई थी। तभी ब्रो आप कब कमा लो। तो कैसा फिर रणबीर पाजी के साथ मजा आया? बहुत ज्यादा सर। ये हंसाता था आपको सेट पे, बहुत फनी है। एक्चुअली पाजी, जब मैं बस्सी से पहले पहली बार मिला तो मैंने इनकी वीडियोस देखी नहीं थे। अच्छा, तो ये जब आया था मेरे घर आया था लव सर के साथ, तो बहुत एटीट्यूड के साथ आया था। अच्छा, यू नो कि मतलब ऐसे मुझे ऐसे देख रहा था, ऐसे मेरे पे कोई जोक्स मार रहा था, तो मैं लव को पूछ रहा हूँ ये तू किसको उठा के लाया है, यू नो ये एक्टिंग वेटिंग कर लेगा। बट आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत जल्दी होगी, आई थिंक ये बहुत, इसका दिल जो है वो बहुत साफ है। मैं आपको एक चीज बोलूँ कि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु गॉट टू नो अबाउट राहा कि यू नो वी आर प्रेगनेंट, एंड ना इन्होंने राह के लिए शॉपिंग की है, मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है। अच्छा, हर स्नीकर टोपी सब लाया है। सो स्वीट, फिल्म का बहुत अच्छा है और इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है, बिकॉज आई थिंक इसको मिलने के बाद मुझे जो स्टैंड अप कॉमेडी की जो एक कला होती है वो और समझ में आई। यू नो इट्स सो मच अबाउट द राइटिंग, आपका जो नजरिया है दुनिया का, इट्स ऑल ट्रूथ, सो आप ट्रूथ को कैसे फनी तरीके से प्रस्तुत करते हो, आई थिंक ही डज दैट वेरी वेल। क्या बात, थैंक यू। मेरे ख्याल से 2.5 साल में पहली बार उन्होंने प्रस्तुत बोला है। और जो शॉपिंग वाली बात थी वो सर उसका मतलब ऑब्वियसली रहा से प्यार वाली बात तो ठीक है, भाई के प्यार था। जब पहले दिन में जा रहा था तो मैंने मुझे मेरे तो को बच्चा ही, मुझे थोड़ी ना पता शॉपिंग कैसे करनी बच्चों की। कोई आईडी नहीं, डॉल्स की एक शॉप थी, मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। मैं बाहर से चूज कर रहा हूँ, मुझे हो गया लगभग 15 मिनट खड़े हुए। तो अंदर से उसकी ओनर ऐसे आई कि कौन 15 मिनट से गुड़िया घूर रहा है। मैंने कहा सॉरी सॉरी, मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा जूते खरीदते थे, यही खरीदने आते हैं। फिर स्नीकर्स खरीदे मैंने बहुत सारे, फिर तब से तक मैंने 6 साल का तो कोटा कर दिया। वाह, वेरी नाइस। अच्छा बस्सी, जैसे मेरी शादी होगी, बस्सी मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मेरी शादी होगी, मेरे दो बच्चे हैं, रणबीर की शादी होगी, उनके बिटिया हुई है,
कैसा लग रहा है आपको अपने दोस्तों के बीच बीच छड़ा जेठ बन के घूमते हो आप? आपको आपके दोस्तों की बीवियां नहीं कहती हैं कि बस्सी कर लो शादी, बस कर बस्सी? अभी नहीं सोच सकता, देखो आप लोगों ने आराम से सेटल होके करा है ना। हाँ। तो मैं नहीं, नहीं, सच्ची में आपका शादी में इंटरेस्ट नहीं है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि आदमी को बहुत कुछ पता है मेरे पास। मेरे अभी शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। पर ना मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे बाकी दोस्त जो शादीशुदा हो चुके थे है ना, जैसे उनमें से एक ही बैठा हुआ डिंगरा, जिन दोस्तों की शादी नहीं हुई थी ना वो दोस्त बड़े बुरे लगते हैं दोस्तों की बीवियों को। हाँ। वो आप अगर साथ में बैठे पार्टी करो तो वो आपके कान में आग बैठी, इसका तो कोई पूछने वाला है नहीं। हाँ। तुम तो उठो चल के, इसका तो कोई मुंह सूंघने वाला है नहीं, ना बीवी ना बच्चे, चलो ये तो टेबल पे सो जाएगा, तुम तो उठो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, शादीशुदा आदमी को जो बीवियां होती हैं वो भेजती भी शादीशुदा दोस्त के साथ ही हैं, ताकि ये दोनों दोस्त जा रहे हैं उसकी और मैं बीवी हम आपस में बात करेंगे कि फर्स्ट हाफ तक तू फोन करके पूछती रहना, सेकंड हाफ तक मैं करती रहूंगी। ये बड़ी प्रॉब्लम है रणबीर। ऐसा कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मियां बीवी के रिश्ते में शांति बनी रहे थोड़ा बहुत हस्बैंड को झूठ बोलना पड़ता है। थोड़ा आपकी तो आपको कभी नौबत आई है ऐसी? आई थिंक व्हाइट लाइज इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स के कभी कभी हम एक झूठ बोल देते हैं, बट इट्स फॉर द अदर पर्सन्स बेटरमेंट, सामने वाला हर्ट। हाँ, लेकिन ऐसा अभी मैंने कुछ गलत या कॉन्ट्रोवर्शियल किया नहीं है बहुत सालों से कि मैं ऐसा झूठ बोलूं या कुछ छुपाऊं। अच्छा, मेरा कहना का यह मतलब है कि मैं आजकल बहुत पत्नी व्रता इंसान बन चुका हूँ। क्या बात, सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। अच्छा, रणबीर के ऑपोजिट इस फिल्म में तू झूठी में मकार में श्रद्धा है, और ये श्रद्धा को छोड़ के बस्सी को लेके घूम रहे हैं। तो आपकी श्रद्धा के साथ केमिस्ट्री नहीं बन रही, या इनके साथ दाढ़ी ज्यादा अच्छी मिल गई है? मुझे इतना लगाव हो गया कि मैंने अपना हुलिया बदल दिया इसके जैसे दिखने के। दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो, सीरियसली आप दाढ़ी का कोलैबोरेशन कर लेना, एक कंबल बना सकते हैं। ठीक है पाजी, मेरा ये मानना है कि लड़कों को लड़के ही समझ सकते हैं, यू नो, ये हम सब जानते true, हैं true, because true. लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनका उनको समझना मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई लड़के का कोई दिल टूटता है तो उनका टोन निकल आता है, दाढ़ी बढ़ा देता है। लेकिन जब लड़की का दिल टूटता है तो फिर क्या होता है, वो मतलब एक बार उनका अपर लिप और आईब्रो सेट हो जाए तो बहुत जल्दी कोई और सेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैं अभी इस फिल्म को लेकर ना मैं लड़कियों से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। ये बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली लड़के ना बड़े देवदास बन जाते हैं, लड़के मजा ले एक ही दिन बिना मेकअप के आ जाएं, रोएंगे भी तो पूरा लगा के। अरे वो आंसू यहीं रोक देती हैं कि इससे नीचे आया ना जाइए। हाँ, बस ये आप इनके दोस्त बने हैं रणबीर के फिल्म में, और आप बीच बीच में अपना ज्ञान बांट रहे हैं, दोस्त होने के नाते अपना फर्ज निभा रहे हैं। आपकी कोई विशेष टिप्पणी लड़कियों के बारे में? सर ज्यादा औकात तो नहीं मेरी फालतू बोलने की, पर मेरा बस छोटा सा पॉइंट है कि थोड़ी सॉर्टेड हो सकती है लड़कियां एज कम्पेयर टू बॉयज, स्पेशली शॉपिंग को लेकर सॉर्टेड बोल रहा था, क्योंकि लड़कों का बहुत सिंपल है, हम शॉपिंग करने गए, हम अगर रेजर खरीदने गए तो रेजर ही लेकर आएंगे। हाँ। हो सकता है ब्लेड भी ना लाए। हाँ। सही है। हम कई बार तो पैसे उतने लेके निकलते हैं, कुछ और चीज खरीद ही नहीं सकते, मन कर भी जाते हैं। और ये एक चीज अगर लिपस्टिक लेने गई है तो बाकी सारी ले आएंगी। हाँ। वो भूल जाएंगी ताकि अगले दिन वो दोबारा लेने जाना पड़े। तो थोड़ा शॉपिंग में सॉर्ट हो सकते हैं, बाकी तो तुम बेटर हो ही, हम क्या कर सकते हैं। रणबीर, जो आपने ट्रेलर में झूठ के ऊपर मोनोलॉग बोला है, वो मतलब इतना लंबा भी है और एकदम से आदमी ध्यान से सुने समझ में नहीं आता कभी कभी। बिल्कुल। और आपको एक ही बार में याद हो गया था वो? नहीं, 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 पाजी बिल्कुल नहीं। और ये हमारे निर्देशक लव रंजन बहुत ही मतलब क्या बोलूं उनके बारे में, डरावनी किस्म के डायरेक्टर है, क्योंकि हमें जो सीन मिलता था वो सीन के 4 घंटे पहले मिलता था। अच्छा। और जैसे वो लिखते हैं वो ऐसे 5-5 पेज के मोनोलॉग्स लिखते हैं, जैसे आपने उनके पहली फिल्मों में भी देखा है। राइट। और उनकी जो डायलॉग राइटिंग है उसमें बहुत म्यूजिकलिटी है, रिदम है, टोन है। अच्छा। तो और उन्हें ये भी पसंद नहीं है कि आप डायलॉग के बीच में सांस लो या ब्लिंक करो। अच्छा। तो ऐसा मतलब नॉर्मल सीन में भी ऐसा लगता है कि हम एक्शन सीन ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता था ये सब करना। अभी आपको याद है? थोड़ा बहुत याद है, मैं कोशिश कर सकता हूँ जी, प्लीज हो जाए एक बार। झूठ बोलकर पकड़वाना नहीं है, बल्कि झूठ बोलकर सच में छुपाना है, फिर दो और झूठों में छुपाना है, फिर सच में छुपा के उस सच में झूठ की मिलावट का हल्का सा हिंट देना है, वो लड़की है, बाकी वो खुद कर लेगी, तुझे बस हल्का सा शक कराना है। ये जो हम बता रहे इस फिल्म के जरिए, मेरा ये मानना नहीं है, आई थिंक वीमेन आर द बेस्ट स्पीशीज इन द वर्ल्ड, आई डोंट थिंक दे आर लायर्स, आई थिंक हम ही लायर्स हैं, हम ही मकार है, उनकी तो पूजा करनी चाहिए। दया, तो सच दया, दया तो
They are the higher beings, you know. तो इसमें मैंने बहुत एक्टिंग की है क्योंकि आई डोंट बिलीव इट. वेरी नाइस. है ना? मैं रणबीर की फिल्म देखने के लिए एक बार झूठ बोला था. मैं एम्स्टर्डम में था तो इनकी फिल्म संजू रिलीज हुई. अच्छा, मुझे नहीं पता था वहाँ के सिनेमा हॉल में क्या होता है. हम लोग 10 मिनट लेट पहुंचे. सिटी से बाहर सिनेमा था तो वो चले गए भाई. वो घुसने नहीं हमें. क्यों? बोलते हैं फिल्म शुरू हो चुकी है. तो मैंने गूगल किया, मेरी और रणबीर की फोटो थी साथ में अपने शो की. मैंने कहा सी आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म. उन्होंने देखा, बोलता है ओके. बट वो पीछे गया टॉर्च लेके, उसने ऐसे बोला धीरे धीरे आओ. हम ऐसे ऐसे गए और जाके बैठ के देखा. और क्या परफॉर्मेंस दी थी आपने ब्रह्मास्त्र के लिए. ढेर सारी मुबारक भाई, बहुत कमाल. आइए विराजमान हो जाइए यहाँ पे. जोरदार तालियां बसी और रणबीर भाई के लिए. अच्छा, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी हो तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, ये जवानी है दीवानी में रणबीर जो है बर्फ के ऊपर रोमांस कर रहे थे. वेकअप सिद में ये बीच पे रोमांस कर रहे हैं. अनजाना अनजानी में ये बोट पे रोमांस कर रहे हैं. बचना है सीनों में ये लिफ्ट में रोमांस कर रहे हैं. लेकिन ब्रह्मास्त्र में जो अपनी धर्म पत्नी आलिया जी के साथ रोमांस करने के बारे, ये मंदिर में जाके माथा टेकने जाते हैं. आप ये मानते हैं शादी होने के बाद आदमी धार्मिक हो जाता है ज्यादा? बिल्कुल नहीं. वैसे मैं घर पे रोमांस कर रहा हूँ ना, मैं पर्दे के पर नहीं रोमांस कर रहा हूँ. तो जब बीवी के साथ ज्यादातर घर पे रोमांस होता है. ज्यादातर अच्छा, बस्सी को हमने हमेशा स्टैंड अप करते हुए देखा है. पहली बार आप लोग इनको बैठ के एक्टिंग करते हुए देखेंगे. बस्सी, ऐसा कभी हुआ है कि आप बैठे बैठे डायलॉग बोल रहे थे और आपका उठने का मन हो, या कभी आपको लगा लाइन तो बोल दी, तालियां क्यों नहीं आई सामने से, या एक्टिंग करते करते मन में खड़े रहते थे आप? नहीं सर, मैं तो देखो वो जो सेम डायलॉग वाली बात थी, वो डायलॉग याद करने किसी और के लिखे हुए मैंने बोले नहीं कभी. तो खुद का तो बीच में से थोड़ा सा चेंज भी कर दो तो क्या फर्क पड़ जाता. और लव सर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है. वो एक कॉमा भी उन्हें चाहिए कि यहाँ पे ना, जैसे कॉमा जितनी देर का होता है उतनी देर रुको. अच्छा. और ऐसा वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. इस इंसान से करो तो समझ में आता है. तो मैंने कई बार ऐसे में सोचता था, मैंने कहा सर यही कर देता ना, थोड़ा और बेटर लग रहा है. तो वो बोलते थे मुझे सिखा रहा है. मैं नहीं नहीं, मैं याद यही हो गया है मुझे. एक जगह पे मेरा डायलॉग नहीं था, मेरा एक्सप्रेशन था जो स्क्रिप्ट में लिखा था. मुझे नहीं समझ में आया क्या है. भाई ने डायलॉग बोला अपना, तो लव सर मेरे पास आए, बोले तुझे ऐसा एक्सप्रेशन देना है जैसे तेरे दोस्त ने कोई घटिया बात की है. तो मैं इसका क्या एक्सप्रेशन होता है? तो भाई से मैंने बोला क्या करूं, तो इन्होंने ऐसे आईब्रो हिलाई कुछ तो करा. मैंने कहा आप ही कर सकते हो, हमें थोड़ी ना आता. फिर लव सर ने बोला कि तेरा दोस्त की घटिया हरकत कर रहा है, कैसे करेगा? मैं कहा मैं बोल दूंगा दोस्त को कि घटिया हरकत है. मैं एक्सप्रेस थोड़ी ना करूंगा ऐसे बैठ के. मुझे नहीं आता. फिर मैंने भी बहुत ही बुरा एक्सप्रेशन दिया. फिर लव सर बोले मैं कोई डायलॉग देता हूँ. बट हो गया फिर धीरे धीरे. लिटरली भाई ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे मैक्सिमम डायलॉग ही नहीं आते, तो इन्होंने मुझे बताते रहे ऐसे करा ये करा ये कर. तो हो गया. जब जैसा भी हो तो आप लोग देखोगे मुझे क्या, मैं तो वापस चला जाऊंगा माइक लेके. शुरू में तो बहुत फनी होता था. बोल रहे कि मार्क पे जाके खड़े हो जाओ और डायलॉग बोलो. तो मैं मार्क पे जा रहा हूँ, नीचे देखता हुआ. जिन्हें नहीं पता है मार्क कितना सा टेप होता है. मैं बस वो जमीन पे लगा हुआ है, कैमरा उसके हिसाब से लगा हुआ है. तो हमारा तो स्टेज पे कहीं भी चले जाओ जहाँ पे मन में है. हाँ. और मैं जा रहा हूँ, मैंने मार्क ढूंढ रहा हूँ, तो लव सर कह रहा है ऊपर देखता हुआ. मैंने कहा फिर मार्क कैसे देखूंगा अगर ऊपर देखता हूँ. फिर उन्होंने बोले कदम गिन ले. हाँ. तो मैंने 9 कदम गिने. अब जब मैं जा रहा हूँ, मैं 9 बोला तो मैं डायलॉग भूल गया क्योंकि मैं कदम गिनता हूँ. रणबीर आपके साथ जैसे आपकी फिल्म में है कि आप लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बड़ा झूठ बोल रहे हो, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कॉलेज स्कूल कभी भी कि कभी आपने झूठ बोला हो, शरेआम में फंस गए हो आप? एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत बड़ा झूठा रहा हूँ. लेकिन मुझे याद है झूठ नहीं था, लेकिन क्लास चल रही थी एंड हमारे स्कूल में कुछ 40-50 बच्चे होते थे एक क्लास में. और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था, तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था. एंड क्योंकि आई वॉज अ नॉटी किड, तो मैंने ऐसे, अगर ये क्लासरूम है और वहाँ टीचर है, मैं ऐसे अपने चारों ऐसे यहाँ ओके, मैं ऐसे क्लास के बाहर स्नीक कर रहा था. तो जैसे मैं स्नीक कर रहा था और मैंने यहाँ ऐसे ऊपर देखा, मेरा प्रिंसिपल ऐसे खड़ा था. और हमारे स्कूल में हमारी बहुत पिटाई होती थी. अच्छा. ऐसा नहीं कि आजकल तो आप किसी को गुस्सा भी नहीं कर सकते. तो इस इंसान ने मेरे कान से मुझे ऐसा पकड़ा. हाँ. और एक कॉरिडोर होता था. हाँ. उसने ऐसे झापड़ मार के मुझे यहाँ लेकर गया, फिर ऐसे मेरा बाल पकड़ा, फिर इधर ऐसे मुझे टर्न किया, फिर वापस ले आया. फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे.
ऐसे बाहर मतलब क्या ये क्या हरकत क्या थी? बोले थप्पड़ मारने से पहले पूछना। मेरा पता एक्सरसाइज होती मेरी मेरी फ्रेंड की चश्मे बाहर गिर गए थे, मैं वो उठाने जा रहा था। वो थप्पड़ की गूंज मुझे अभी तक याद है, अभी तक गई नहीं है। तो ये अच्छे स्कूल से ना, कितने अच्छे से, कितना स्वीट सा झूठ था ये चश्मा। हमारे यहाँ के लड़के लड़कियों से बात करने के लिए बोले मेरे दिल में छेद है। दिल में छेद है। जैसे अभी आपने रणबीर की शरारत सुनी, ये दयावान भी बहुत है। अच्छा, वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पिछले सीजन में नीतू मैम हमारे शो पे आई थी, आपके बारे में एक बड़ी अच्छी बात बता के गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिद्धिमा, कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी ताकि हम आइडिया लगा सके? आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम और मैं बैठी हूँ और उसकी एक गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना। मैंने बोला ये टॉप बहुत फैमिलियर है, मैंने देखा लेकिन शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ, मुझे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कंफर्ट से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो। आप कुछ सफाई देना चाहेंगे इस बारे? बिल्कुल नहीं, हम सब करते, आपने भी किया होगा अगर आपकी बहन। मैं तो मम्मी की चीजें भी चोरी करता था। ये लो आपके लिए लाया हूं। हम गिफ्ट विफ्ट नहीं करते थे, हम भाई बहनों के आपस में हम कपड़े पहन लेते थे बचपन में, फ्रॉक वरॉक भी पहन लेते थे। वो पहना ही जाते थे कि पता नहीं चला था बहुत सारा तो वो क्या रहा हमारे साथ। जैसे मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ ना, तो अभी उस समय इतने मोबाइल वाइल थे नहीं, तो मेरी मामी को किसी ने बोला कि बेटी हुई है, हुआ था बेटा, उन्होंने फ्रॉक भेज दी। तो मेरी माँ ने भी कहा अब आ गई है तो पहन लो, 3 साल फ्रॉक ही पहनता रहा। आपको पता है ये वाला जो आपका किस्सा जब सुना ना कि गर्लफ्रेंड को उठा के चीजें, ये पांडे हमारा ड्रम वाला, इसने फॉलो करना शुरू कर दिया आपको कि रणबीर अगर गिफ्ट कर सकता है अपनी बहन की चीजें उठा के गर्लफ्रेंड को। इसकी बीवी ने एक बार प्लाजो मांगा, इसने दादा का पजामा दे दिया। उसके बाद इसका दादा गया इसकी बीवी के पास, कहता बेटी हमेशा प्लाजो ही पहनना, कहीं साड़ी की डिमांड करोगी तो मैं धोती से भी जाऊंगा। अच्छा, होली आने वाली है रणबीर, सारी दुनिया जानती है आरके स्टूडियोज की जो होली होती थी उसके जैसी होली बोलते हैं कि ना कभी पहले हुई ना कभी होगी, आपको कोई मजेदार किस्सा याद है? मुझे तो बहुत डर लगता था पाजी, क्योंकि जब भी कोई आर के स्टूडियोज में कोई एंटर होता था वो फट से ये सब मतलब रंग बिरंगे आदमी आते थे, आपको उठा के वो टंकी में फेंक देते थे। अच्छा, तो मेरे लिए तो एक नाइटमेयर होता था कि यार मुझे पानी में नहीं जाना। बट उसी दौरान मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के सब एक्टर्स एक्ट्रेसेस डायरेक्टर्स म्यूजिशियंस सब होते थे, और उतना अपनापन शायद अभी नहीं रहा इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहां सब आके एक यू नो त्योहार के वक्त या किसी के फिल्म रिलीज के वक्त एक दूसरे को सेलिब्रेट करते थे एक्चुअली। तो आई थिंक आजकल वो जमाना नहीं रहा, एंड वी रियली मिस दैट टाइम, यू नो, टू वेयर यू गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम योर इंडस्ट्री। एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, ये सवाल मेरा आप दोनों से है, होली के नाम पे ना बड़े लोग होते हैं ठंडाई के नाम पे कुछ मिक्स करके पिला देते हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मैं तो खुद मिक्स करता हूँ। मैं भी यही बोल रहा था कि कोई क्या पिला देता है। मेरे साथ ऐसा बचपन में हुआ था भाई, हम लोग पी के आए, लंगर लगा हुआ था उसका महाशिवरात्रि के मौके पे, तो वहां तक तो ठीक था, वो चढ़ती शायद बड़ी देर बाद है, बहुत देर बाद है ना, तो मैं और मेरा भाई दोनों थक बहुत गए थे, हमने रिक्शा किया, हाथ रिक्शा होता ना, तो हमने किया रिक्शा पे चलते हैं, रिक्शा में पता नहीं हवा लग गई क्या, जैसे ही घर पहुंचे ना भाई, इतनी सी नाली सी, वही ना टापे मेरा भाई, रो ही जाए उसको देख के। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हमने लखनऊ में हॉस्टल, लखनऊ में कॉलेज में थे, तो वहाँ पे चौक है एक एरिया, वहाँ पे मिलता है, तो सीनियर्स ने बोला था कि जाना पी के आना, अब पहुँच गए, ले लिया ग्लास, किसी को नहीं पता है, कितनी भी नहीं होती है, किसी को पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, उसका 36 भी नहीं होता, कुछ नहीं था, वो ग्लास दिया उसने, हमने पी लिया, हमने कहा ठीक लग रहा है, और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद ऐसा लगता है ना कि हुआ क्यों नहीं। हाँ। तो एक और पी लिया। ओह। फिर एक और पी लिया, जो हाँ। जिसने जिसको जितना पिया पी लिया। हम वहां से वापस निकले, हम अपने हॉस्टल पहुंचे, हमें ये याद है हम 10-12 लड़के क्रिकेट खेले बिना बैट बॉल के। हमने रन भी लिए, हमने गिने भी है। हाँ। हमने टॉस भी किया है बिना उसके। सब किया हमने, लेकिन हमें अगले दिन पता चला सब कुछ। होश में रह के होली मनाए, इस होली पे ठंडाई बिल्कुल ना पी, हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे, शाम को पिक्चर देखने आप सबको जाके, ठीक है? हाँ। अगले साल से देख लेना। अच्छा, आजकल के जमाने में ना बड़े कम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, और फिल्म स्टार्स तो शायद ही कोई ऐसा हो, करीना थी वो भी इंस्टाग्राम पे आ गई है, और रणबीर है जो ये अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो रणबीर आपको हमने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा नहीं है,
पहले तो उसका कारण बताएं कि क्यों नहीं है आपके फैंस। मेरे को याद है ऋषि सर के ट्विटर अकाउंट पे एक बार किसी ने ट्वीट किया कि सर रणबीर को मेरा हेलो बोलना, तो ऋषि सर ने लिखा मैं क्या उसका लेटर बॉक्स हूं। आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रणबीर? सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात यह है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है बहुत बोरिंग पर्सनैलिटी है, और सोशल मीडिया पे आपको एक एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी, एक अलग एक किरदार निभाना पड़ता है लोगों को एंटरटेन करने का, और मुझे ये एक्स्ट्रा काम नहीं चाहिए लाइफ में। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ भाई। रील में नाचना पड़ता है भाई, रील्स में पर नाचना पड़ता है, करेक्ट। तो मैं, मेरा फेक अकाउंट है, मैं सब मेरे फेवरेट जो लोग हैं, यू नो फुटबॉल, मैं आपको भी फॉलो करता हूँ, बसी को भी फॉलो करता हूँ, मैं ट्रोल बहुत करता हूँ, तो फेक अकाउंट के नाम से कमेंट नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सुबह आके मुझसे ज्यादा ही नहीं पता होता था इंस्टाग्राम का, बोलते थे तूने वो देखा उसका पोस्ट, मैंने कहा यार आप क्यों इतना झूठा। तो मैं ऑफिशियली नहीं हूँ लेकिन मेरे पास अकाउंट तो है सर। तो थोड़े दिन पहले मैं करीना के शो पे गया, तो उनसे मैंने एक वैसे सोशल मीडिया को लेकर बात चली थी, बोलती हाँ जैसे रणबीर भी सोशल मीडिया पे है नहीं लेकिन खबर सारी रखते हैं, तो खबरें इनके पास पूरी रहती हैं, लेकिन आपके दोस्त फैमिली फ्रेंड्स कभी कभी आपकी जो फोटो डालते हैं नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, बस ये आप तो सोशल मीडिया पे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने आपकी निकाली हैं, आप देखिए जरा बड़े मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। अयान मुखर्जी ने ये फोटो डाला है, फ्लैशेज ऑफ टाइम, और ये ब्रह्मास्त्र के टाइम की है शायद, है ना, हैशटैग पढ़नी पड़े ना, हैं हैशटैग पढ़नी पड़े, स्टेपिंग आउट आउट ऑफ ए कुकून, या सेम कुकून क्या होता है, जो सम सर्टेन इंसेक्ट्स आर बोर्न एंड यू नो इन अ कोकून, ऐसे बंद और मुश्किल बता दिया पहले कोकून ठीक था। तो आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, इन तीनों की पार्टी खत्म हो गई, अब बैठकर हिसाब लगा रहे हैं किसको कितना देना है। आयान बोल रहे हैं मैंने कैमरा वाले से बात कर ली, तुम्हारा प्री वेडिंग भी ये सस्ते में कर देगा। रणबीर ही आयान की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, आलिया तो सोच रही है कि डिनर में क्या खाना है। और दिखाइए, लो जी बसी साहब ने फोटो डाला, शादी ब्याह के ऑर्डर के लिए संपर्क करें। भाई कोई काम छोड़ना नहीं मतलब है, कभी भी बंद हो सकता है ना कुछ भी। दिखाइए नीचे कमेंट्स, दिखाइए पेमेंट कैश में लेंगे या बोतल में है। ढोल बजाने के बहाने महिलाओं के बीच घुसा आदमी। भाई ये काम इतना आसान नहीं है, ढोल बजाना आदमी 2 महीने में सीख जाता है लेकिन उड़ता नोट पकड़ने की प्रैक्टिस में सालों लग जाते हैं। ओए ओए ओए, ये बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है, उड़ता नोट पकड़ने की प्रैक्टिस। अर्निंग से ज्यादा जब EMI हो जाए तो बंदे को ऐसे ही मल्टीपल जॉब करनी पड़ती है। और दिखाइए, पेमेंट वाला बहुत प्यारा था, है पेमेंट कैश मिलेगा कि बोतल। आयान मुखर्जी बिगिनिंग्स टेल अवीव, जगह का नाम है इजराइल में, आधा पेज और लिख देते तो इसी पे फिल्म बन सकती थी। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है, रणबीर है पीछे, आलिया आगे देख रही है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, ये कब की फोटो है? ये सर 2017 31st December। ओके वाओ, वर यू शूटिंग फॉर ब्रह्मास्त्र देन? हम प्रिपरेशन कर रहे थे। अच्छा, रणबीर वेट कर रहे हैं आलिया का सीरियल खत्म हो फिर मैं फुटबॉल का मैच देखूं। और दिखाइए, करवा चौथ पे दोनों अपना अपना चांद देखते हुए आए हैं। नेक्स्ट, ओहो तक दिना दिन दिन दिना, वाह इसी बात पे चल रहा है ना मेरा, लिटिल लिटिल देना जरा, अरे मैं क्यों लिखता हूँ ये सब। जिस दिन नहीं कोई कैप्शन आए बस ही नहीं लिखते उस दिन, चुप रहते क्यों, क्या क्या जरूरत थी? तो 6-7 साल लगे जानने में। मेरे को तो कल मैंने फोटो डाली 5, मेरे को कैप्शन सूझा, मैंने लिख दिया टोटल 5 फोटो। बात खत्म ना यार, नहीं आया तो नहीं आता। आइए नीचे कमेंट देखते, इनके एक्शन से लग रहा है ये हारमोनियम बजा रहे थे, कोई छीन के ले गया। हम भी एक आदमी ऐसे ही ढाबे के बाहर बैठाए रखते हैं ताकि कस्टमर बगल वाले ढाबे पे ना चला जाए। लगता है जिस बंदे ने फर्श बनाया है उसी ने इनकी पेंट बनाई है। ये बहुत अच्छा है। और दिखाइए, ओहो आई बिलीव ही इज अ सुपर स्वीट बडी, सुपर फन वर्किंग हिम। ये आपके ट्रेनर है? नहीं, ये पाजी एक एक्टर थे ब्रह्मास्त्र में। ओके okay. उनका नाम सौरभ है। ओके okay. तो ये हम जिम में वर्कआउट कर रहे थे तो पता नहीं मैं उनके ऊपर क्यों चढ़ गया। याद भी नहीं है। देखते नीचे कमेंट्स क्या है।
लगता है रणबीर ने नई गाड़ी ली है बी एम बब्लू। कुछ लोगों को ऐसे ही जिम लाना पड़ता है। इनको 70 किलो का डंबल चाहिए था, नहीं मिला तो रणबीर को उठा लिया। और दिखाइए कैप्शन दिस, बस्ती ने फोटो डाला है ये, दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये मैं एक्चुअली शूट भी यही कर रहा हूँ, मैं अपने ही कमेंट्स ही पढ़ रहा था, मेरे यूट्यूब पे क्या कमेंट्स आ रहे थे, ऐसा ही कोई सेक्शन में शूट कर रहा था अपने लिए। अच्छा। उसमें इतने कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि मैं बॉक्सिंग वाले वीडियो में मंजू आंटी बोल रहा हूँ, तो मंजू मेरी माँ का नाम है, वीडियो डिलीट कर। मैंने फिर वो कभी डाला नहीं। किसी ने लिखा है कृपया अपना कैप्शन स्वयं देखें, हमारे तो बिजली का बिल ज्यादा आया हुआ है, उसी की टेंशन चल रही है। और दिखाइए बॉबी देओल अगर ड्राई फ्रूट छोड़ के तली हुई मूंगफली पे आ जाए तो ऐसे ही लगेंगे। ऐसे लोग 40 रुपए की कॉफी मंगवा के कैफे का 400 रुपए का वाईफाई यूज कर लेते हैं। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और दिखाइए, अरे श्रद्धा ने कहा था जब मेरी फोटो आई मुझे बुला लेना। पाजी जी, ये लड़की इतनी झूठी है, इसने अर्चना जी अभी बोला था मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, जब हमने शो शुरू किया था 2 घंटे हो गए, अभी आ रही है। भाई तू संभाल ले, मैं तो समझ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप सीरियसली जा रहे हो? मैं बहुत सीरियसली जा रहा हूँ। ऐसे मत करो यार। पाजी पाजी हमें ऐसे मत करो, इसको भी लेके जाओ। नहीं पाजी, इसको। लव यू पाजी, थैंक यू फॉर कमिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों अब बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वेलकम श्रद्धा कपूर। श्रद्धा आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत कैरी लग रही हैं आप। मैं वेट कर रही थी कि कब आऊंगी, 3 साल हो गए। फाइनली आप आ गई, बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी नई फिल्म आ रही है। ये आपकी तारीफ कर रहा था, अभी बोलता है श्रद्धा कितनी प्यारी लग रही, क्या बोल रहा था ना, कह रहा कसाटा लग रही थी। पर ये प्रॉब्लम क्या है, आप आई रणबीर इधर से भाग गया। वो तो अच्छा हो गया भाग गया, क्यों इतनी मक्कारी झेली है मैंने उसकी सेट पे, और इन दोनों को मैंने झेला है। आपको झूठी बोल के गया अभी, आपने सुना है? आपको पता है वो इतना बड़ा मक्कार है, हैं? वो इतना मतलब इजी दिखाता है सेट पे कि हाँ मैं आता हूँ, मुझे मेरे लाइंस पता है, मैं डायलॉग अच्छे से बोलता हूँ, एक्टिंग अच्छे से कर लेता हूँ, और तैयारी में पूछती हूँ कि यार कितनी तैयारी की, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं तैयारी नहीं की। फिर मेरे को पता चला कि लव रंजन ने उसको पहले सीन दे रखा था। अच्छा, मेरे पहले, तो ये मकारी हुई ना। हाँ मैं तो भूल रहा था, मैं बैठता हूँ, मैं कहा नहीं नहीं निकल, मैं तो इतना मकार आदमी नहीं थी। तो बोले तू भी निकल। अरे श्रद्धा कितनी प्यारी है ना, हाँ। इतनी खूबसूरत है, इनको तो मेकअप की जरूरत भी नहीं पड़ती, हाँ। ठीक इसका उल्ट, बस ये आपको कितना किलो लगता था। नहीं क्योंकि स्टैंड अप करते वक्त तो कभी जरूरत पड़ी नहीं, पहली बार आपने फिल्म की है। पहली बार फिल्म की, पहली बार ही मैंने ये मेकअप वेकअप, मुझे तो पता भी नहीं था। 2 घंटे बैठाते हैं लोग पहले सुबह ले जाके, हाँ। 2 घंटे का तो मेरा शो ही होता है। एक तो ये और आर के भाई दोनों इतने डिसिप्लिन, 5 बजे उठ के आ जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, और ये रेडी होना शुरू हो गया। रेडी मतलब अब हो रहे हैं रेडी, हाँ। हमारा रेडी क्या, मुंह धुला, प्लीज वेलकम, बस ही आ गए स्टेज पे खड़े हुए, कर दिया। और क्या है ना, मैंने वेट लॉस भी करा इसके चक्कर में, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन पे वैसा दिखना होता है। और हमारा क्या, अगर मैं, मेरे तो जोक खराब हो जाएंगे अगर मैं फिट होके चला गया तो, कैसे करूंगा, आलस की बात है, देख के लग नहीं रहा अगर मैं आलसी हूँ। और इनके यहाँ आके जब मैंने इनका देखा कि मेकअप चल रहा है, इनका तो खैर पता नहीं कितना, 4 घंटे भी बेचारे बैठे रहते हैं लोग तो। 4 घंटे मतलब ये जो बाल इनके करने पड़ते हैं ना, मुझे बिल्कुल आ जाती है, बैठा हुआ मेकअप लगाए जा रहे हैं, और जब मैंने आँख खोली मैं इतना बुरा लग रहा, क्योंकि मैंने पहली बार देखा अपने आप को ऐसा। पर कुल मिला के जो आंसर था वो, हाँ 2-2.5 किलो तो लगता था मेरा। श्रद्धा आपकी फोटो आई है सामने, ये मस्त फोटो है ना, क्या मूड है, कितनी खुश लग रही हूँ ना मैं। बहुत बहुत प्यारी लग रही हो आप, अच्छे जोक सुनाओ यार, शाम आई नहीं नींद पहले आ गई। आइए नीचे कॉमेंट देखते हैं क्या लिखे हैं लोगों ने। आई लव यू, मुझे पता है ये भी आपके लिए जोक ही है, आई लव यू, हा हा हा। चाहे कितनी भी इंग्लिश सीख लो, अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट हट ही करना पड़ता है, एक्सक्यूज मी से वो नहीं भागता। यार क्या लिख रहे ना, क्या लिख रहे ये यार? बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, कुत्ते को आप थोड़ी ना बोल सकते हो एक्सक्यूज मी डोंट बाइट, थोड़ी ना मानेगा, हट हट ऐसे ही बोलना पड़ता है। तो बंदा ठीक है जिसने भी लिखा है, पर मैं उसको ये बात भी बता दूं, ऐसी लड़कियों के पीछे कुत्ते नहीं पड़ते, ऐसी लड़कियों के पीछे लड़के कुत्तों की तरह पड़ते। फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.